Hi people, how are you all doing? Why I'm showing you? I don't have the best figure, but that's okay. बहुत सारे लोगों के जो figure है वो best नहीं है, तो मेरी भी best नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. Let me just point the camera थोड़ा सा up. Did you see my shoes? Wait. अब मैं टांग ऊपर करके तो नहीं दिखा सकती. Okay. तो ये जो मैं वीडियो आज बना रही हूँ, do I need to give introduction कि मैं कौन हूँ? नहीं ना, है ना? तो दिस इज मी ममता सचदेवा फ्रॉम बेल्जियम. थोड़ी मुंडी भी उठाती हूँ और अपने फोन का जो है, देयर वी गो. ओके, सो ममता सचदेवा विद यू ऑल फ्रॉम ब्रसल्स. इससे पहले कि लाइव वीडियो के लिए माय अपोलॉजीज, आई गॉट अ लिटिल इमोशनल. थोड़ी फैमिली को मिस कर रही थी. हो जाता है कभी कभी, हम सब इंसान हैं, हमारे सबके डेज होते हैं, कभी लो डेज एंड हाई डेज. तो अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ. तो मैंने आपको मेरे कपड़े क्यों दिखाए हैं, इसका एक रीज़न है. एक्सपेंसिव दिखने के लिए एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है. यू जस्ट नीड टू बी एक्सपेंसिव फ्रॉम योर माइंड. चॉइस अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा अपना सर्च वर्च करते रहो. और हर एक की बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कपड़े होते हैं. तो मैं कई लोगों को जब इंडिया जाती हूँ या अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ, जो उनका साइज़ और जो उनकी फिजिक या उसका बैठने उठने का लोगों का तरीका होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको कपड़े डालने चाहिए. अब कोई इंसान जो बिल्कुल टिपिकल घरेलू है, अगर बहुत मॉडर्न कपड़े डालेगा तो डेफिनेटली पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता है. तो हमेशा वही पहनो जो आप पे जचता है या आपकी पर्सनैलिटी के साथ जाता है. दैट्स वन पॉइंट. एंड सेकेंडली, आई वॉन्टेड टू टेल यू, ये जो ड्रेस मैंने पहनी है अभी, लेट मी शो यू. वेट, मुझे थोड़ी सांस भी चढ़ रही है. देखिए जरा, बुरी नहीं है ड्रेस. ये जो ड्रेस मैंने पहनी है, ये पता है मैंने कितने की ली है? ये इंडिया के हिसाब से, डोंट किल मी हाँ इफ यू गेट टू नो, 180 रुपए की ड्रेस है ये. ये मैंने सेल में कहीं से उठाई थी यार. इसमें दो कलर्स थे, मैंने एक ही बार में उठा लिए थे. वार्म ड्रेस है ये, तो इस वेदर के लिए परफेक्ट है, क्योंकि गला भी कवर कर रही है. 10 दरम मैंने यूएई में, 10 दरम इज इक्वलेंट टू 180 रुपए, 180-182 रुपए कुछ ऐसा है. तो ये इतने की खरीदी है. जो बूट्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये भी बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है. तो डोंट थिंक ममता इज गॉन क्रेजी मिलियनेयर, पता नहीं कितना पैसा, ये वो ये वो, कुछ ऐसा नहीं है. आई ऑलवेज डू स्मार्ट शॉपिंग. मैं कुछ एक चीज़ों के लिए बहुत स्पेसिफिक हूँ, वो मैं कभी कभी थोड़ी महंगे ले लेती हूँ. गिल्टी, आई शुड डू दैट. लेकिन बहुत सारी मेरी जो चीज़ें हैं, मेरी कलेक्शन है, मैं बहुत नॉर्मल प्राइस भी लेती हूँ, क्योंकि आपके पास सब कुछ मिक्स होना चाहिए. तो कभी भी ये मत फील कीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है या आप ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अच्छे नहीं लग सकते. डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी, आपका पर्सोना, आप जो लोगों से बात करते हो, मिलते हो, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करनी चाहिए, सिर्फ आपकी क्लोदिंग या जो आपने पहना है. तो कमिंग टू द बूट्स, मेरे जो ये बूट हैं, ये मैंने अबू धाबी से अराउंड 50 दिरहम से भी नीचे के खरीदे हैं. अगर मेरे कोई क्रू सुनेंगे तो दिल भी लाइक क्या, क्योंकि सब लोग इतना महंगा सामान खरीदते हैं. आई डोंट नो अबाउट अदर्स कि सब लोग दे गो फॉर चीपर बाइज और नॉट, पर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बैलेंस रहे, कि बहुत ज़्यादा भी नहीं कि पैसे है तो सारे के सारे उड़ा दो. ऑलवेज डू यू नो बैलेंस. तो ये जो मैंने बूट्स खरीदे थे, ये भी ऑफर में थे, तो मुझे 50% डिस्काउंट में मिले थे. ये तो अच्छे लग रहे हैं. इसके अंदर जो सॉक्स पहनी है, बेसिक सॉक्स पहनी हुई है मैंने. ज्वेलरी आपने मुझे बहुत कम पहनते देखा होगा. दो आई कैरी अ लॉट ऑफ ज्वेलरी आई हैव, बट मैं आउट स्टेशन में, क्योंकि अट्रैक्ट नहीं करना चाहती रॉबर्स को एंड ऑल दैट. तो कभी लगता है ना लोगों को डायमंड पहना है, कुछ है तो कोई आपके पीछे लग सकता है किसी भी जगह पे. तो मैं वो चीज़ अवॉइड करती हूँ. इसलिए मैं जब आउट स्टेशन होती हूँ, आई ट्राई टू कीप थिंग्स वेरी सिंपल, सिर्फ कपड़े बेसिक और एक हैंडबैग में भी कम पैसे. सो दिस इज हाउ आई एम. और बस मोटिव ऑफ दिस वीडियो वॉज कि एक्सपेंसिव दिखने के लिए एक्सपेंसिव थॉट्स और अच्छे विचार होने इंसान के पास बहुत जरूरी है, देन एक्सपेंसिव क्लोथ्स. या सो कीप दैट इन माइंड. एंड मैं बाहर जा रही हूँ अभी, आई एम नॉट गोना गो टू द सिटी गाइज, आई एम सॉरी. यहाँ मेरे होटल के बिल्कुल अपोजिट एयरपोर्ट है, सो आई एम गोना गो टू द एयरपोर्ट, करा चेकआउट. अगर कुछ वहाँ अच्छा मुझे मिलेगा, आई मेक अ लिटिल वीडियो एंड आई पोस्ट इट फॉर ऑल ऑफ यू. सो टेक केयर विद दिस मैसेज, नेवर फील लो. टुडे वॉज माई लो डे, आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड आई होप यू डोंट सी दैट वर्जन ऑफ माइंड एवर. सो टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड. और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए मेरे भाई, प्लीज कर लीजिए. क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो मेरे ये थॉट्स हैं, मेरे व्यूज हैं, आप तक कैसे पहुंचेंगे? और एक घंटी का निशान भी होता है सब्सक्राइब करने के बाद, उस घंटी को भी प्लीज दबा लीजिएगा. उसका रीजन है कि घंटी नहीं दबाओगे तो जब कोई नई वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी. सो प्लीज डू दैट एंड लेट्स स्टे ट्यून्ड. हम 20,000 अचीव करने वाले हैं सब्सक्राइबर्स बहुत ही जल्दी. अभी अराउंड 18,000 कुछ चल रहा है. सो आई एम वेटिंग टू हिट 20K.
नॉट फॉर द एनी पॉपुलैरिटी गेनिंग, बट अच्छा लगता है मुझे कि वी आर बिकमिंग अ बिगर फैमिली नो, सो हम एक बड़ा परिवार बन रहे हैं, तो जितना बड़ा परिवार हम बनेंगे उतने यू नो ज़्यादा थाट्स मेरे जो हैं लोगों तक पहुँचेंगे, आपके थाट्स मेरे तक पहुँचेंगे. दिस इज द मोटिव ऑफ आर चैनल. सो टेक केयर माई फैमिली, आई विल टॉक टू यू लेटर एंड आई एम गोना गो आउट एंड यू ऑल्सो हैव फन. टेक केयर, बाय.